गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोनिक पार्ट बी बुक में पेज नंबर 18 पढ़ेंगे, ठीक है। द ई ए साउंड क्या पढ़ेंगे, द ई ए साउंड, ई जिसको हम ई ऐसे देखे, मतलब ऐसे मुंह पे जोर देके पढ़ते हैं, ठीक है। ई ई साउंड देखते हैं उससे क्या क्या वर्ड्स आपकी बुक में दिए हैं। द फर्स्ट वर्ड इज लीव, लीफ, बीक, ये रहती है ना चिड़िया कैसे चोच, उसको हम क्या कहते हैं, बीक। स्पीयर, स्पीयर, पी, बीच। हियर, हियर मतलब सुनना, जैसे ये लड़का कान से रेडियो में से गाना सुन रहा है ना, हियर। यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया है, द बर्ड हैज़ अ पीच, द बर्ड हैज़ अ पीच इन इट्स बीक, ठीक है। ये पीच कहाँ है, इसके बीक में है, ये पीच कहाँ है, इसके बीक में है, ठीक है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ और भी वर्ड्स दिए हैं जो कि आप अपने से पढ़िएगा। यहाँ पे इस पेज पे क्या है, थ्री ई की साउंड हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ई के साथ ए था और यहाँ पे डबल ई है, जैसे कि डियर, शीड, शीड यानी कि ये बीज, ठीक है, शीड यानी कि बीज। शिप, एक एस एच डबल ई पी होता है शिप, और एक होता है एस एच आई पी शिप, ठीक है। ये शिप मतलब जहाज होता है, ठीक है, और ये एस एच डबल ई पी शिप मतलब ये जो एनिमल दिया है ना, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, शिप। क्वीन, क्वीन मतलब रानी। बी, बी मतलब कि मधुमक्खी। थ्री, टी एच आर डबल ई थ्री, ये तो आप अपने मैथ्स में भी पढ़े हो, थ्री। एंड आफ्टर देन यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया है, थ्री थ्री शीड, शीड आर लाइंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर मतलब कि ज़मीन पे, कहाँ पे पड़े हैं, तीन शीड ज़मीन पे। वैसे ही जैसे इस पेज पे कुछ रिलेटेबल वर्ड्स दिए थे, सेम इस पेज पे भी कुछ रिलेटेबल वर्ड्स दिए जो कि आपको अपने से पढ़ने हैं, ठीक है। अब इस पेज पे हम आई विथ म्यूट ई एंड आई जी एच साउंड पढ़ेंगे, ठीक। आई विथ म्यूट एंड ई, ई तो रहेगा, फिर आई जी एच साउंड भी हम साथ में उसके साथ पढ़ेंगे। पाई, ठीक है, दिस इज पाई, दिस इज पाइप, ठीक है। पाइप लगता है ना हमारे घर में जब नल वल फिट होता है, तो ये क्या है, पाइप। वाइप मतलब कैसे इरेज करना, वाइप। वाइट, टाई, टाई ऐसे हम शू लेस टाई करते हैं ना, बांधते हैं ना, दिस वन इज नाइन, एन आई एन ई नाइन, ठीक है। सम मोर रिलेटेबल वर्ड्स इज गिवेन ओवर देयर एंड आफ्टर देन यहाँ पे हम आई जी एच साउंड पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, हाई, हाई। फाइट, फाइट हमें नहीं करना चाहिए, फाइट। लाइट, नाइट। एट, यहाँ पे ई है, आई जी एच टी एट, एंड आफ्टर देन फ्लाइट, फ्लाइट। सम मोर वर्ड्स आर गिवन ओवर हियर, आफ्टर देन दिस, ओके। यहाँ पे ना वही रिलेटेबल एक्सरसाइजेस है, ठीक है, रिलेटेड टू दीज पेजेस जो अभी हमने पढ़े, आपको ये खुद से करना है और फिर ग्रुप में हमें सेंड करना है, ठीक है। जैसे ये नाइन है, बीक है, ये सारी चीज़ें अभी हमने पीछे पढ़ी ना, लाइट, नाइन, वाइप, नाइट, ये सब आपको अब खुद से करना है और फिर हमें भेजना है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन।